के भिवंडी जिले के कोन गांव में बीते वर्ष 12 दिसंबर को एक मोबाइल की दुकान में तकरीबन 400 आईफोन की चोरी अज्ञात चोरों द्वारा कर ली गई थी। चोरी करने के आरोपी आलम शेख को साहिबगंज से गिरफ्तार करने में सफलता मिली। दिसंबर को भिवंडी जिला के कोन गांव स्थित एक दुकान से 400 एप्पल के फोन चोरी हुए थे, जिसके संबंध में महाराष्ट्र की भिवंडी पुलिस यहां आई थी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए राधानगर पुलिस और हमारे SDPO को अनुरोध किया था और वो टीम उस बार लौट गई थी और कुछ सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुनः हम लोगों ने टीम बनाया था SDPO राजमहल के नेतृत्व में और इनके नेतृत्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम आलम शेख है, जिसने इस कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और अपने अन्य साथियों का भी नाम बताया है। और इसने बताया है कि इसने सारे मोबाइल बांग्लादेश के एजेंट को मालदा के लिए चेक के व्यक्ति के माध्यम से बेच दिया है। इसकी तहकीकात चल रही है और इसकी निशानदेही पर कुल लगभग 2.5 लाख रुपये बरामद किया गया है जो सामने है। इसकी गिरफ्तारी में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी को मैं बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इसका गिरफ्तार है, इनका अपना गिरोह है, बाकी शेष अभियुक्तों का नाम बताया गया है, वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं आप लोग को। जी।